ये कि एग्जाम आपका सब कुछ डिसाइड नहीं करती, ऐसा कोई गलत फैसला न दे कि जिंदगी भर आपके माँ बाप को रोना पड़े। रिजल्ट आने के बाद में मैं सब समझता हूँ आपकी, भाई पास तो वही बातें हैं, फॉर्म तो 17 लाख भरे गए थे, पास तो भाई 5,000 ही होंगे, 5,000 का अभी अगर करेंगे तो 5 गुना करेंगे तो 25,000 होंगे, और बाकी की लाइफ के अंदर तो 2-4 दिन बड़े दुख से गुजरेंगे। मैं सब समझता हूँ इन चीज़ों को, लेकिन किसी एक पेपर के फेल होने से कोई ज़िंदगी फेल नहीं हुआ करती, और कोई एक पेपर पास होने पे ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी पास हो जाए। तो ये एक इम्तहान की तरह लो इसे, दुख होता है, तैयारी करते हैं, दुख ज़रूर होता है, जो नंबर बता रहे मैं सब समझता हूँ। एक हार से कभी निराश नहीं होना चाहिए, जो पेपर के नज़दीक जाके पहुँचे उन्हें अपने आप को एनर्जेटिक होना चाहिए। तो अगर आप इस पेपर में अगर नज़दीक जाके कोई रह गया, रहेंगे भी जाहिर सी बात है कि 99% जो है वो रहेंगे, तो उन्हें निराश होने की कतई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को ऊर्जावान बनाएं, कोई बात नहीं, दोबारा भर्ती आ रही है, मुझे लगना है तो फिर लगना है, कोई बात नहीं, मैं एक इम्तिहान में अगर फेल हो गया तो मैं ज़िंदगी में कोई फेल नहीं हुआ हूँ, पुलिस की भर्ती दोबारा आ रही है, मैं दोबारा तैयारी करूँगा और इस बार मैं लग के ही रहूँगा, और मैं पिछली बार जो मैंने गलतियाँ की वो गलतियाँ मैं इस बार किसी भी सूरत में नहीं करूँगा। अपने आप में जो गलतियाँ थी उन गलतियों को सुधारो, आपका कौन सा पार्ट कमज़ोर रहा अभी से लग जाओ भले तैयारी के। जो बच्चे हमारे पास हुए उन सबको अग्रिम बधाई, जो नहीं हुए वो भी मेरे अपने हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपके लिए फिर जी जान लगा देंगे, आपके लिए उसी प्रकार मेहनत करेंगे जैसे पहले, बस अपने आप को दुखी मत करना, 1-2 दिन होता है, सबके साथ होता है।